दोस्तों, इतिहास ऐसे नहीं बनता, शाबाशी ऐसे ही नहीं मिलती। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, खासकर वहाँ जहाँ अफवाहें ज्यादा फैलती हों। एक समय ऐसा भी था जहाँ लोग टीकाकरण से बच रहे थे, वहीं आज लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से। हम लोग प्रशासन से लोगों को भेजते हैं बैनर के रूप में, नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रेजेंट करके उसके बारे में बताते हैं कितना सेफ है। हम लोग के यहाँ आते हैं मेडिसिन के पर्पस से कि सर हमको हमारी तबीयत ख़राब है, सफरिंग फ्रॉम दिस, तो उनको भी स्क्रीन करते हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं कि वैक्सीनेशन लगाओ। आज की डेट में वैक्सीनेशन के अलावा और कोई दवा नहीं है जो आपको इस घातक बीमारी से, इस महामारी से बचा सके। सबसे पहले हम लोगों को वैक्सीन लगी है, हमको कुछ नहीं हुआ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है कि वैक्सीन से आपको कुछ और होने लगेगा। अगर कोविड इन केस वैक्सीनेशन के बाद भी होगा तो आपको बस वही जुकाम सर्दी की तरह हो करके ठीक हो जाएगा, आपकी जान नहीं जाएगी, वो सीवियरिटी आपके शरीर में पैदा नहीं कर पाएगा जो विदाउट वैक्सीनेशन होता है। तो दोस्तों, आज हम भी आए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल वैक्सीन की पहली डोज लेने। ये एक बेहद सरल और सुरक्षित रास्ता है कोरोना से बचने का। आज हम आपको ये सब दिखाएंगे और विश्वास दिलाएंगे कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए। इंजेक्शन के तुरंत बाद आधे घंटे वेटिंग एरिया में उनको बैठाला जाता है ताकि आपको कोई भी एडवर्स इवेंट आफ्टर वैक्सीनेशन फील होता है तो हमारा AEFI नोडल ऑफिसर अक्यूट एडवर्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन वहीं पर बैठा रहता है, आपको आधे घंटे ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद उस AFI नोडल ऑफिसर का, जो कि मेडिकल ऑफिसर होता है, उसका नाम और नंबर अंकित होता है। आप कभी भी 24 घंटा में कभी भी कॉल करके उससे अपनी परेशानी तुरंत बता सकते हैं। एम्बुलेंस की सेवा है 108 की, उसके द्वारा कॉल करके वो हमसे आकर के मिल सकता है। ये हुआ हमारी तरफ से वो देने की बात पुख्ता कि आपको कुछ नहीं होगा, पहली बात नहीं होगा इंजेक्शन लगवाने से, और दूसरी बात वो लगवाएगा, लगवा के ठीक हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि 10 लोगों को और बताएगा, वो और 10 लोगों को लेके आएगा, तो ये सेम प्रोसीजर उसको भी पता चल जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो इसलिए डरते हैं कि हमको बुखार हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं वैक्सीन से। दूसरी बात है, थोड़ा बहुत बुखार आना तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत फीवर लगता है। टीकाकरण जो COVID-19 का पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, वो पूर्णतया सुरक्षित है, किसी प्रकार से इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को बढ़ चढ़ कर के भाग लेना चाहिए। और अगर हम अपनी 50% आबादी को जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे तो आगामी जो तीसरी लहर की चर्चा चल रही है उससे शायद हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश बच सके। दृष्टि प्रोडक्शन, a digital storyteller of your imagination.